मित्रों, तंत्र में एक क्रिया होती है जिसको कहा जाता है सत्य भेदन क्रिया, और जो सत्य भेदन क्रिया है वह इतनी रहस्यात्मक है, अगर उसको सही से जान लिया जाए तो आप कुछ भी छुपे हुए रहस्य, इस सृष्टि के रहस्य, आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस, उसके कारण और उसके निवारण, ये सब आप खुद में समझ सकते हैं। सत्य भेदन क्रिया जो होती है वह क्रिया होती है आपके ही अंदर जो तत्व हैं उनको भेदना। इसमें कुछ मंत्र भी होते हैं, महाकाली के मंत्र हैं, वो मंत्र है काली काली महाकाली सत्य दर्शनी, है ना, इस तरह से मंत्र है। पूरा मंत्र मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि कोई भी उठा के साधना करना शुरू कर देता है और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। फिर उसके साथ में योग में भी इसकी क्रिया है, त्राटक भी इसी विद्या का एक भाग है, सत्य दर्शनी क्रिया का ही एक भाग है। आंतरिक त्राटक, मानसिक त्राटक, योग निद्रा, मैनिफेस्टेशन, ये सब इसी का भाग है। मुख्य रूप से इसमें जो ज़रूरी होता है वो एक तो आहार, ठीक है, अष्टांग योग तो है ही ज़रूरी, है ना, यम नियम प्रत्याहार असतेय, है ना, आसन प्राणायाम, ये इस तरह से ध्यान धारणा समाधि, ये तो है ही ज़रूरी। उसके साथ में एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है आपके जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, उसका एक्टिवेट होना। ये जो सत्य दर्शनी क्रिया है ये इसका संबंध पूरी तरह से आपके आज्ञा चक्र से है, आपके आकाश तत्व से। मैं क्यों आकाश को इतनी ज़्यादा जो है वो देता हूँ, क्योंकि आज के समय में आकाश को समझने वालों की बहुत ज़रूरत है। आज के समय में जब इतना पाखंड चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, तो सत्य को समझने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है, है ना। आज के समय में जब इतना आडंबर, इतनी बातें, क्या क्या बातें होती हैं, उन सब को जो है उसका भेदन करना प्रत्येक, मेरे ख्याल से तो हर साधक को आना चाहिए, और उसके साथ में पता है खासकर यंगस्टर्स को आना चाहिए, क्योंकि ये झूठ के जाल में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स ही फंस रहे हैं। जो 45-50 क्रॉस कर गया है उसको लेना भी क्या है, जो चाहिए वो यंग ही है, यूथ ही है, यूथ ही होती है जो बदलती है पूरे संसार को, और यूथ ही होती है जो आने वाले सोसाइटीज़, आने वाले जो नियम हैं जीवन के और विधाएं हैं, विधान हैं, है ना, उनको बदलती है, यूथ ही है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक यूथ सत्य भेदन क्रिया को जाने, इसके रहस्यों को समझे, है ना, और आडंबरों में ना फंस के स्वयं को समझे। इसके लिए जो मित्र इस क्रिया की ओर जाना चाहते हैं वो आनंदों में संपर्क कर सकते हैं, परंतु प्रतीक्षा, प्रार्थना और पेशेंस, संयम, यह भाव अवश्य होना चाहिए।